लगाती। क्या कर रहा है ये, ऐसे कैसे चल रहा है? कोई पुलिस वाला देखना, दो मिनट में अंदर कर देगा। साफ मालूम पड़ेगा साड़ी के अंदर हट्टा काटा मर जा रहा है। अरे तो क्या करूं, औरतों की तरह चल यार, गर्भवती औरतों की तरह मटक मटक के दर्द दर्द में। आप क्या देख रही हैं? बड़ी बदसूरत बीवी है। अरे बीवी है, दाढ़ी निकल गई तो क्या करूं मैं? चलिए चलिए, दाढ़ी राम राम आता वो तू इधर आ बे, शेव भी नहीं किया, बंद कर, धक्का लगा। और सुन, ना खोलना ना उठाना। अरे कैसी बात कर रहा है, खोलना ना उठाना यार, तेरा भी ना वन ट्रैक माइंड है, ना मुंह खोलना ना घूंघट उठाना। अच्छा अच्छा, बंद कर अभी, अच्छा बंद कर, चुपचाप रहना, एक वर्ड नहीं बोला, समझा? चल मेरे साथ चल, अबे कुछ तो बोल। अरे तूने तो कहा जबान नहीं खोलनी है। अबे हाँ यार, ना तो बोल सकता है। हाँ हाँ चल। हाँ ए यार, घोड़े का बच्चा पैदा कर रहा है। हाय रे, क्या ऐसा लग रहा हूँ चकाचक? ये सुन, एक नंबर लगी है यार। अबे यार, जो भी करना अभी कर ले, घर पास में आ रहा है, चल। हाँ ठीक है, पीछे आके बैठ जाना, औरतों की तरह बैठना। अबे अंदर जाना है यार, अंदर ही तो हूँ यार, मरवाएगा मेरे को। ए थाम, यहीं खड़ी रहियो, अरसन गंगर काल ले, कोई लेके भाग जाएगा, मैं अभी आया एक मिनट पीछे से। जी आओ बहन, तुम भी यहीं कर लो यार, दोनों पास पास जिंदगी भर मुत्ता रहेगा ये। गाना जरूर गाना है। हाँ गया है। अबे चल 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 टिटू, चल टिटू टिटू टिटुआ, हे टिटू, चल कहाँ चला गए थे यार? राशन का पैसा लेना है। राशन की दुकान है क्या? सामान उठा के ले जाएंगे। तुम्हारे बाप का माल है कि सामान उठा के ले जाओगे? पुलिस में बंद करा दूंगा। पुलिस की बात करता है कपूरथला, आज तो मेरा मकान खाली कर दो। कपूरथला का तो बन गया दही भल्ला। अरे तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा, गटर के अंदर? अपना आलीशान मकान तो किराए पर दे रखा है उनको। हाँ दिया था किराए के ऊपर, और सारे कह रहे थे इतना किराया देंगे, इतना किराया देंगे कि ऐसे ऐसे 10 मकान बनवा लोगे। इसी चक्कर में अपना मकान छोड़कर तुम्हारी खोली में रह रहा हूँ, जहाँ खुजली मारा कुत्ता भी ना रहे। अरे लेकिन मेरा किराया तो दो। ओए आस्तीन के सांप, आस्तीन पकड़ते पकड़ते तू गरेवान तक पहुँच गया है। फिर देख ये ले किराया, ले किराया, इस तरह देखता क्या है, ये आज का फैशन है, 1 मीटर में 6-6 बनते हैं, स्टाइल है स्टाइल गुर्बत का। लेकिन तुमको तो चेक दिया था, चेक उन्होंने? हाँ दिया था चेक, ये चेक दिया था, ये चेक लेकर मैं वहाँ पहुँचा। जब उस जगह पहुँचा तो वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि अंधा भी पढ़ ले। उस पर लिखा था यहाँ बैंक बनेगा। अरे तुम्हारे साथ तो गनीमत हुआ कि तुम वापस आ गए, लेकिन मेरे पति को तो ऐसा चेक दिया कि 15 दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए। अरे किसी लौंडिया के साथ रफू चक्कर हो गया होगा, तुमसे पीछा छूटा उसका। अरे कपूरथला, तुमने देखा नहीं था कि वो फर्जी चेक था? अरे वो चेक चेक करने के लिए मैंने उन्हें चेक किया था कि ये चेक तुमको किसने दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये चेक हमको इंस्पेक्टर पाशा की बीवी ने दिया था। अच्छा तो मैं पहुंचा इंस्पेक्टर पाशा के पास, और मैंने जाकर उससे कहा कि तुम्हारी बीवी ने चेक दिया है। बस ये सुनना था कि इंस्पेक्टर पाशा ने निकाला डंडा और मेरे बदन की एक एक बोटी को चेक किया। लेकिन कपूरथला, इंस्पेक्टर पाशा ने तुम्हें मारा क्यों? वो इसलिए कि बाद में मुझे मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर पाशा तो रंडवा है। लो एक और आ गया है। ओए ओए क्या है, किधर है वो टीटू टोले को बाहर निकाल। अरे इतना चिल्लाता क्यों है, क्या हो गया है? बोलवाते बेटे को गर्भवती बनाया मालूम है क्या? दोनों ने, अरे गाड़ो दोनों ने, कैसा मेरा बेटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसका मूड में आएगा वो चढ़ जाएगा। अब तू बाहर निकाल उसको, माई गाट के नाम को ओवर एक्टिंग कर रही। अरे खोते, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, उसका वक्त पूरा हो गया, सज्जा खाने में ले जाओ। अरे अभी टाइम कहाँ है, इसे अंदर ले चलो, चलो जल्दी करो, आओ। साड़ी बाबू वाला डर जाएगा, तुम लोग आप लोग बाहर ही रहिए। जल्दी चलो, वो दाई आ गई है, जल्दी करो। दाई लाओ या माई लाओ, कुछ नहीं होने वाला। तुमने कुछ कहा? मैं क्या बोलेगा, और लगता है मेरे कान बज रहे हैं। अब तो पुंगी बजने वाली है। इतनी मार पड़ी की आवाज बच्चों जैसी हो गई। बच्चा हो गया है। नाना बन गए। ओ यार, क्या है?
सिंह की शक्ल टीजू से मिलती है और नाक तो बिल्कुल उस जैसी ही है। मर गए। ये यहाँ तो टोनी का है। लगता फिर बदल गया। चलिए कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे ना। अरे मैंने कहा कपड़े उतारिए और इधर लेट जाइए। अरे कपड़े उतारूंगा तो तुम भाग जाओगी। अरे कहीं आप बहरी तो नहीं है? तो फिर कपड़े उतारिए ना। अरे उतारिए ना कपड़े। देखिए शर्माइए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक औरत ही हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अरे लाजवंत जी, ये रही तेरी लाज, जो ये रही तेरी बंती, हो गई लाज बंती कर ले। और मेरी बीवी कहाँ है? तो नहीं, कहाँ गया? कहाँ गया था बे? कहाँ गया बे? कौन है भाई साहब आप? किसके हाथ में हाथ दे दिया था? पता है अस्पताल में क्या दुर्दशा हो गई मेरी? तो भड़क रहा क्यों है? मेरी हालत मालूम क्या हुई थी? मेरे बाजू में खड़ा था, रूम के अंदर गया, एक बच्चा बाहर आया। हाँ। और उसकी शक्ल भी मिल रही थी तेरे। हाँ, मैं ही तो पैदा हुआ, मैं ही इतना बड़ा हो गया। यार तुम दोनों को बॉस ने बुलाया है? तो हमने भिखारियों के नौकरी छोड़ी। हमारा बॉस जगत बॉस ही है। हाथ नहीं लगाना, हाथ चल 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 उठा। अभी भी डिलीवरी हो रही है, संभालना। रोज तुम लेट क्यों हो जाते हो यार? चल चल जगत दादा की जय हो। जगत दादा महान। क्या जैकेट पहन रखी हमने, क्या बॉडी वॉडी बना ली हमने, एक्सरसाइज कर रहे हो आजकल? जब भी हम लोग मिलते हैं इन्हीं बात करते हैं। अरे बॉस ये दोनों नाटक कर रहे हैं, ये तो आने को तैयार ही नहीं थे, हम इन्हें उठा कर लाया है। अरे ऊपर से ये भाव खा रहे थे, कह रहे थे कि कौन सा जिसका नमक खाते हो उसी को पीछे पीछे गाली देते हो। झूठ बोल रहा हूँ। तू गुस्सा थूक दे, उसे मत थूक दे, इन लोग पे थूक। देखो हम लोग तो आ ही रहे थे कसम से। वो क्या ना कि मेरे भाई का पाँव भारी हो गया, हम लोग तो आ ही रहे थे। माफी चाहता हूँ जगत दादा, दरअसल हम डर रहे थे आपका पैसा आपका पैसा। टीटू बोलो। देखो देखो हम लोग ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। पिछले 3-4 दिनों से शराब की एक बूंद भी अलग से नहीं उतरी, मालूम है क्या? आजकल तो देखा ही नहीं। लेकिन लेकिन आप चिंता मत करो, हम कसम भगवान की मेहनत करके ईमानदारी से चोरी चमारी करके आपकी एक इकाई लौटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मेरा पैसा नहीं चाहिए। उल्टे 1 लाख रुपए मैं तुमको देता हूँ, मगर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। 1 लाख रुपए के लिए हम कोई भी काम कर सकते हैं। काम क्या है? बड़ो पगला गया है। पुलिस सिक्योरिटी से ये नक्शा तुम्हें मेरे लिए हासिल करना होगा। ना, 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 बस जगत दादा मैं माफी चाहता हूँ, मैं आजकल बुरे धंधों से कट्टी कर चुका, अब हम लोग शराफत की जिंदगी जीना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने चोरी चकारी बुरे काम ये सब छोड़ दिया। छोड़ दिया, अभी चाय की दुकान लगा रहा है और नारियल की दुकान। हाँ। आपको चाय नारियल वाला चाहिए तो बोल देना। हाँ, कुछ नहीं हो पाया तो मैं गाँव चला जाऊंगा हल चलाने के लिए, मेरे बाप बूढ़े हैं उनका सहारा बनूंगा। कितनी अच्छी बात है, मैं तो बोलता हूँ जगह था तुम्हारा बाप आवे तुम भी गांव चले जाओ। कसम से बता रहा हूँ, वैसे भी क्या हालत हो गई है, शुगर की बीमारी है, ऊंचाई से डर लगता है, कभी भी टपक सकते हो, आजकल तो हट्टे कट्टे मर जाते हो। अरे वो नाके में टपक गया ना। कौन? ना काका, चार लोगों से उठा नहीं, कुत्ते की गाड़ी आई थी लेने, पूरे गलियारे में खींचने से गड्ढे गड्ढे पड़ गए। बंद करो बकवास। सामू। यस मौसी। इन दोनों को अंदर ले जाकर इतना मारो, इतना मारो कि इनकी मरम पट्टी से हमारा पैसा वसूल हो जाए। मारने पीटने की बात क्यों कर रहे हैं आप? हम लोग ने ना तो नहीं किया, ना तो नहीं किया। आपका हुक्म तो सारा आंखों पर आ गए ना रस्ते पे। थोड़ा एडवांस मिल जाता तो वो क्या ना कि बहुत दिनों से शराब नहीं पीना तो गला सूख रहा है हमारा, और नाच गाना भी नहीं देखा तो जी मचल रहा है। हां वो मैं कर सकता हूं। साहब यस बॉसी, इन लोगों को 20,000 रुपया एडवांस दे दो। ओके बॉस साहब। याद रखना, क्या अब की बार अगर चूना लगाने की कोशिश की ना तो तुम दोनों को पान की तरह चबा जाऊंगा। हर बार ऐसे बोलता है। क्या कहा? वो कह रहा है कि वो हम आप ही के बच्चे हैं ना। हाँ। आप ही की देखरेख में पले बड़े हैं तो नक्शा आपको मिल जाएगा, कसम मिल जाएगा ना। 100% साबो मौसी जाओ पैसा लो। ए साबो साबो चलो अंदर चलो, सामान दिखाओ कहां क्या रखा है। ये तुम लोग इतने पैसे कमाते कहां से हो?